नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि पासवान। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगरपालिका बोर्ड के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी के तमाम उपलब्धियां गिनवाई हैं। पालिका सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में पालिका अध्यक्ष सचिन नेगी ने अपने 2 साल के कार्यकाल में हुए विकास संबंधित कार्य को बताते हुए भावी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उनका प्रयास रहेगा शहर साफ व स्वच्छ रहे, इसके लिए करीब 2.5 करोड़ की लागत से नारायण नगर इलाके में कूड़ा रिसाइकिल प्लांट लगाने की योजना है और दिसंबर माह के अंत तक इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा शहर में बढ़ते जाम की दिक्कत को देखते हुए भी ठोस कार्य की योजना की तैयारी की गई है। पाइपलाइन के माध्यम से गैस पहुंचा पाएंगे। इसमें जो ऊपर जो हमारे पहाड़ों पर रहते हैं या जिनको सिलेंडर ले जाने में दिक्कत होगी, वो दिक्कत दूर होगी। और जो सिलेंडर का भार है उसका जो खर्चा है वो गैस लाइन के पाइप में कम होगा। एक ओपन या जिम का शुरुआत कर रहे हैं तो किस तरह बनना है, किस तरह फायदा होगा पर्यटकों और स्थानीय लोग? काफ़ी टाइम से चिल्ड्रन पार्क या जिम की बात कर ली थी तो इसको लेके हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात करी तो इस पर हमने शीघ्र ही उनको एक दिशा निर्देश भी दिया है, उनको एक NOC हमने जारी करी है। इसमें नैनीताल जो हमारे नैना देवी मंदिर उसके बगल में पार्क है वहाँ पर ओपन पार्क के तौर पर उसको डेवलप करने जा रहे हैं। उसमें बच्चों के झूले होंगे और जिम होंगे, जो छोटे छोटे जिम होते हैं वो वहाँ पर लगाने जा रहे हैं, जिससे कि जो हमारे जिम करने आ रहे हैं, योगा करने आ रहे हैं, वहाँ पर जाकर योगा या जिम कर सकते हैं। ई रिक्शा भी चलने जा रहा है नैनीताल में, काफ़ी लंबे समय बाद ये मुद्दा उठा रहा है ई रिक्शा का, तो हमारी लगभग सब तैयारी हो गई है, हमारे रिक्शा ज़्यादा कुछ इसमें बात हो गई है और शीघ्र इसी माह के अंत तक हम नैनीताल शहर को ई रिक्शा। अभी के लिए बस इतना ही काफी। बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज के साथ।